वंदे वांछित लाभाय चंद्रधिकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनी। हम नौ दुर्गा के प्रथम रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैलपुत्री माँ तारानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नौ दुर्गा के प्रथम रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैलपुत्री माँ तारानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री माँ तुम्हें प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री माँ तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी यानी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री माता का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माता शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन मात्र से भक्तजनों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है, नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। बड़ा ही पावन होता है नौ दुर्गा का त्योहार, श्रद्धा भाव से पूजता है माता को संसार। मिटते हैं भक्त जनों के दुख संताप तमाम, हर कष्टों को करता दूर माता जी का नाम। शक्ति पीठों के द्वारा करती है जग कल्याण, माँ की महिमा अपरंपार लीला है महान। शास्त्रों में जो वर्णित है वो बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैलपुत्री माँ तारानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री माँ तुम्हें प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री माँ तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। अपने पूर्व जन्म में सती ने बड़ा ही कठोर तप किया, कई वर्षों तक वो शिव की आराधना में लीन रही। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। सती ने शिव को ही पति के रूप में मांग लिया। शिव के लाख समझाने पर भी जब सती नहीं मानी तो विवश होकर शिव जी को वरदान देना पड़ा। जब यह बात प्रजापति दक्ष को पता लगी तो वह कुंठा से भर गए। दक्ष भगवान विष्णु के भक्त थे, पर शिव उनको जरा भी पसंद नहीं थे। वह शिव को अघोरी कपाली कहकर अपमानित करते रहते थे, परंतु ब्रह्मा और विष्णु जी के समझाने पर उन्होंने सती का विवाह शिव से करा दिया, पर दोबारा कभी उन्हें अपने राज महल में कभी नहीं बुलाया। दक्ष के इस व्यवहार को शिव भली भांति जानते थे, परंतु सती इससे अनभिज्ञ थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता शैलपुत्री की जय। शैलपुत्री माता को हम सब सती भी कहते हैं, संग में इनके डमरू धर शिव सदा ही रहते हैं। घोर तपस्या करके सती ने शिव को है पाया, पर यह सब दक्ष राजा को जरा भी ना भाया। अनमन भाव से दक्ष ने सती का विवाह कराया, विदा करने के बाद कभी उनको घर न बुलाया।
लालच के व्यवहार से शिव चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैलपुत्री माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, सती माता अपने राजमहल को छोड़कर शिव जी के साथ कैलाश आकर रहने लगी। पत्थर का बिछावन, आकाश का छत, ध्यान के लिए गुफा और स्नान के लिए मानसरोवर, सब कुछ तो वहाँ उपलब्ध था। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा कैलाश उन्हें राजमहल से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। माता सती की सेवा में शिव के गण सदा उपस्थित रहते थे, उन गणों को भी मातृत्व सुख का सदा सानिध्य मिलता था। भक्तों, इस प्रकार भगवान शिव और माता सती सुख शांति से अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे। परंतु होनी तो होकर रहती है, होनी से तो ना नर बच पाए ना ही नारायण। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता शैलपुत्री की जय। सती आकर रहने लगी तब डमरू धर के पास, महल की जगह शिव ने उनको दिया है कैलाश। खुले आकाश के नीचे भी रहती थी वो प्रसन्न, राजमहल से भी ज्यादा कैलाश लगे संपन्न। सेवा में शिव गण रहते थे सदा सती के साथ, गणों के सर पर रहता था मातृत्व सुख का हाथ। हंसी खुशी शिव और सती समय बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैलपुत्री माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देव मुनि नारद कैलाश से गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि माता सती पर पड़ी। नारद जी माता के पास आए और प्रणाम करके प्रजापति दक्ष द्वारा आहुति यज्ञ की बात बताए। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता शैलपुत्री की जय। शिव को अपमानित करने को दक्ष ने यज्ञ कराया, सबको किया आमंत्रित पर शिव सती को न बुलाया। सती को पता चला है जब यज्ञ हवन की बात, सती चली है करने राजा दक्ष से मुलाकात। शिव ने कहा कि सुनो सती, वहां न तुम जाओ, बिना निमंत्रण जाकर अपमान न तुम करवाओ। शिव भोले माता सती को बहुत मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैलपुत्री माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती ने शिव से कहा, मुझको उस यज्ञ में जाना ही है, वह मेरे पिता का घर है और वहां जाने से मुझे
ना कोई हानि होगी ना ही कोई परेशानी। यह भी संभव है कि पिताजी भूलवश निमंत्रण ना दे पाए हों। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे सती, वहां केवल तुम्हारा अपमान होगा। बिना निमंत्रण किसी भी उत्सव में जाना उचित नहीं, और वैसे भी यह यज्ञ केवल हमें अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। तो बोलिए भक्तों, माता शैलपुत्री की जय। क्रोधित होकर बोली सती, मुझको है जाना, पिता के घर जाने में मुझको क्या घबराना। मेरे जाने से वहाँ नहीं होगी कोई भी हानि, मैं हूँ उनकी पुत्री, वहाँ होगी नहीं परेशानी। शिव ने कहा कि सुनो सती, होगा वहाँ अपमान, बिना निमंत्रण जाने पर मिलेगा नहीं सम्मान। शिव के वचन माता को आहत कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम शैलपुत्री, माता रानी की महिमा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। भक्तों, सती को अपने पिता पर बड़ा विश्वास था, वह नहीं मानी और यज्ञ में जाने के लिए कैलाश छोड़कर जाने लगी। तब भगवान शिव उनका रास्ता रोक खड़े हो गए, परंतु माता ने इसे अपना आत्मसम्मान से जोड़ लिया और अपना रौद्र रूप दिखाया, जिससे दसों दिशाओं से 10 महाविधा भयंकर होकार भरती प्रकट हुई। भक्तों, काली तारा छिन्मस्ता, षोडशी भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धुमावती, बगला मुखी, मातंगी वो कमला, इन देवियों को 10 महाविधा कहा जाता है। तंत्र साधना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और यज्ञ में जाने की अनुमति देनी पड़ी। तो बोलिए भक्तों, माता शैलपुत्री की जय। क्रोधित होकर सती चली छोड़ कर कैलाश, उनको अपने पिता दक्ष पर था बड़ा विश्वास। राह रोक कर खड़े हुए हैं शिव शंभु त्रिपुरारी, तब माता ने दिखलाया है रौद्र रूप बड़ा भारी। दसों दिशा से 10 महाविधा आई वहां नजर, यह सब देख के रास्ता तब छोड़े है डमरूधर। नंदी को माता सती संग वो भिजवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम शैलपुत्री, माता रानी की महिमा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मधुमेह प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मधुमेह प्रणाम। भक्तों, सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। ऋषि मुनि यज्ञ हवन कर रहे थे, वहाँ उनके बैठने के लिए कोई आसन की भी व्यवस्था नहीं थी। यह सब देखकर माता सती का मन बहुत विचलित हुआ। वहां उपस्थित देवता गण भी माता से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तो बोलिए भक्तों, माता शैलपुत्री की जय। नंदी संग पहुंची है सती अपने पिता के भवन,
वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि कर रहे थे यज्ञ हवन। दक्ष ने अपनी पुत्री को एक बार भी ना देखा, माता के चेहरे पर आई चिंताओं की रेखा। वहाँ बैठने के लिए भी नहीं था कोई आसन, यह सब देख हुआ विचलित माता सती का मन। वहाँ उपस्थित देवता भी नजर न मिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैल पुत्री माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, शैल पुत्री मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, शैल पुत्री मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। दक्ष ने सती से कहा, बिना निमंत्रण के तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या उस कपाली ने तुम्हें इतनी भी शिक्षा नहीं दी? संभव है उस कपाली को खुद भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं, खुले आकाश के नीचे पत्थर के बिछावन पर सोने वाले भस्म बहुत लपेटे उस कपाली से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। तो बोलिए भक्तों, माता शैल पुत्री की जय। कहा दक्ष ने बिना बुलाए नहीं था तुमको आना, तेरे उस कपाली ने क्या इतना भी नहीं जाना। सुनो सती, तुम लौट जाओ डमरू वाले के पास, छत के नाम पर जिसके पास है खुला आकाश। सती ने कहा कि बहुत हुआ मेरे पति का अपमान, कौन हूँ मैं हे प्रजापति, अब तुम भी लो यह जान। सुन के यह सब सारे लोग बड़ा घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैल पुत्री माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, शैल पुत्री मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, शैल पुत्री मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माता सती ने दक्ष को अपना आदि शक्ति स्वरूप दिखाया। कहा, तुम जिसे अपनी पुत्री सती को एक अबला नारी समझने की भूल कर रहे हो, परंतु मैं आदि शक्ति हूँ और समस्त संसार को तत्क्षण भस्म कर सकती हूँ। हे दक्ष, तुम्हारी गलती की सजा मैं समस्त संसार को नहीं दूंगी, परंतु तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैं इसी यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने सांसारिक शरीर का त्याग करूंगी। ऐसा कहकर माता सती ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। वहां मौजूद सभी देवी देवता ऋषि मुनि अनहोनी की आशंका से डर जाते हैं। नंदी आंखों में आंसू लिए कैलाश की ओर भागते हैं। तो बोलिए भक्तों, माता शैल पुत्री की जय। माता सती ने वहाँ अपना विकट रूप दिखलाया, सभी देवों के मन में अब केवल डर है समाया। माता ने कहा है, प्रजापति भुगतो अब परिणाम, इसी यज्ञ कुंड में करूंगी मैं अग्नि स्नान। इतना कहकर माता ने खुद को भस्म किया, सबके मन में एकाग्यात डर ने जन्म लिया। नंदी वापस भाग के कैलाश को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैल पुत्री माता रानी की महिमा गाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम शैलपुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव का त्रिनेत्र खुल गया। भगवान शिव ने अपने एक जटा को पत्थर पर पटक दिया, जिससे भयंकर हुंकार भरते वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनको आदेश दिया कि काली को अपने संग लेकर जाओ और उस यज्ञ भूमि को शमशान में बदल दो। जो सामने आए उसे मार डालो और उस उदंड प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दो। शिव के आदेश को सिरोधार्य करके वीरभद्र और काली यज्ञ क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बोलिए भक्तों, माता शैल पुत्री की जय। जब शिव को यह ज्ञात हुआ त्रिनेत्र है खोला, शिव के भयंकर क्रोध से सारा संसार है डोला। शिव ने अपनी एक जटा पत्थर पर पटक दिया, जिससे अति बलशाली वीरभद्र ने जन्म लिया। शिव ने कहा, हे वीरभद्र, काली को ले लो संग, दक्ष को देके दंड करो तुम यज्ञ को भी भंग। वीरभद्र और काली यज्ञ क्षेत्र को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैल पुत्री माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम शैल पुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम शैल पुत्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्राकृतिक का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है, तथा इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटा संपन्नता को लाता है। शैलपुत्री माता का मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु प्राकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो बोलिए भक्तों, माता शैलपुत्री की जय। पर्वतराज हिमालय के घर फिर माता है आई, इसी कारण से प्रथम दुर्गा शैलपुत्र कहलाई। दाएं हाथ में माता के शोभित रहता त्रिशूल, बाएं हाथ में रहता सदा एक कमल का फूल। वृषभ है वाहन माता का, सफेद लाल है भाता। माता का पूजन घर से दुख दारिद्र मिटाता। हम सब माता के चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शैलपुत्री माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।